कहा था, वही जवाब दे दो, वही जवाब दे दो सरकारी अधिकारी। और किसी ने बुलाया था कोरोना को? क्या मैं निपट लूंगा उसका, आईजी जो भी होगा, तुम घर जाओ, मेरे को भी करने दो। मैं सबको बताता हूँ, कौन सा अधिकारी की तनख्वाह कटवाता हूँ। मैडम आपकी कौन है? मेरे हस्बैंड है। बुला यार भैया प्रशासन को, बुलाओ, क्यों नहीं आ रहा प्रशासन यहाँ पे? अरे यार तुम जाओ रुचि यहाँ पे, यार प्रशासन जवाब तो दे, किस चीज का चलान है 8 फीट दूर से? किस चीज का चलान है, किस चीज का चलान है 8 फीट दूर से? क्या है कोरोना? फरवरी से अगस्त से लेकर फरवरी तक कहाँ चला गया था, वापस कैसे आ गया? कोई चीज का जवाब तो दे। अपने मन गणत बनाई हुई बीमारी को यार जनता को परेशान किया जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। हमें भी सांसें लेना है यार, हम भी जानते हैं, हमें भी हमारी जान की चिंता है। खुद तो संभाल नहीं पा रहे, हमारे को अलग परेशान कर रहे हैं। सबकी दुकानें बंद करा रखी है, 11 लाख रुपए का नुकसान हो गया बिजनेस में, एक भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं कटी। क्यों नहीं कटी, क्यों नहीं कटी? एक ब्राह्मण पुजारी से क्यों पैसे मांगे जा रहे हैं? बच्चे की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है, उसके गवर्नमेंट कर्मचारियों की मनोज परिंदा की बेटी की फीस गई है, राज्यपाल को तनख्वाह मिल रही है, क्या करता है राज्यपाल? राज्यपाल क्या करता है? उसको तनख्वाह की चेक मिलती है? इतना बड़ा घर दे रखा है, अरे गरीब लोगों से पूछो, जो रोड पे ऑटो चालक है ऑटो चालक से पूछो, ऑटो चालक का ऑटो चलना बंद हो गया, महीने की किस्त जाती है उसकी। चलो अरे फालतू बंदा मत, इधर अपना काम कर लो, सारे को तो कोई शर्म है नहीं, तुम ऐसे दुकानी देती ना फिर सारे बाहर जाएंगे, फिर खड़े हो जाते हैं आगे। चलो चलो मनोज परिंदा के।